नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा वेंटिलेटर दिखाने जा रहा हूँ जो 1979 में उपयोग किया गया था। अभी जिस तरह कोरोना का प्रकोप पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, उस तरह इस प्रकोप को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार यदि स्वास्थ्य विभाग को आज्ञा दे तो पुराने जितने भी वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं, पुराने विभिन्न सन में विभिन्न प्रकार के यूज़ करके पड़े हुए हैं, उन वेंटिलेटर को री रिपेयरिंग करके उनको स्वास्थ्य विभाग उन तक काम में ले सकता है, जिससे कुछ हद तक स्वास्थ्य विभाग में आ रही कमियां, वेंटिलेटर की जो कमियां चल रही हैं वो पूर्णतः दूर की जा सकती है। तो ये देखिए, एक इसी प्रकार का एक वेंटिलेटर आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, 1979 का है। मेडिकल एक्सपर्ट लाया हूँ आपके एक बेहतरीन, बहुत पुराना, जो पहले के बहुत समय पहले यूज़ होता था वेंटिलेटर, कृत्रिम सांस की इकाई है। यह आपके लिए बहुत पुराना, मतलब कहना ये चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आपको कि पहले भी किस तरीके से वेंटिलेटर दिया जाता था इंसान को, ताकि पहले भी मेहनत इंसान करता था। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और अब आगे भी और हाई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन पहले भी बर्थ ऑफ रेशियो अच्छी तरीके से सुधारा जाता था और वेंटी कनेक्ट किया जाता था। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह है वेंटिलेटर, क्यों इन्फेंट वेंटिलेटर्स है इसका। ये 1979-78 के टाइम का वेंटिलेटर्स है। इसमें कनेक्टिंग अच्छी तरीके से देखिए और किस तरीके से इसको ऑक्सीजन डेट एयर प्लस ऑक्सीजन दोनों दी जाती थी। ये मॉडल 1979 का है। इसमें अपर पार्ट द पीएच ऑफ द, देखिए ये है वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पैरामीटर्स कितने तक जाते थे अपन, आईपीआर टू इन्फेंट्री लो प्रेशर कितना है, कौन से मोड पर है, इंक्रीज ऑक्सीजन का पैरामीटर्स क्या है, इंक्रीजिंग रेट्स क्या चल रही है, लो बैटरी क्या चल रही है, अलार्म सब साइंस भी रहता था, एटी रेट टू एक्सपायरी रेट सिस्टम, मेंस एयर वे एक्सटेंसिव वेंटिलेटर रेट्स अपन कितने दे रहे हैं, पीप कितनी दे रहे हैं, सीपैप मोड पे है कि मेशर मोड पे, और यह वेंटिलेटर मोड पे, अलार्म साइंस भी इसमें है। ऑक्सीजन रिलेटेड इसके पीछे से पार्ट्स हैं, ये अपर पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन लाइंस हैं, ऑक्सीजन लाइन इनपुट होके ये एयर वो कर, ये ईटी से कनेक्ट हम लोग करते थे, ये पार्ट ऑफ है ईटी, ये ईटी से कनेक्ट करने वाला पार्ट्स है, इसको इसमें कनेक्ट करते थे। ये कनेक्टिंग एयर से कौन कौन से मोड्स हैं आप देखिए, ये है एयर प्रेशर्स, ये ऑक्सीजन लाइन, पी एस ए लाइन, द रूम इनक्यूबेटर, ये वाटर फिल्ट्रेशन, बस ऑक्सीमीटर्स, एयर वो प्रेशर सब कुछ इसमें लगाया हुआ है। ये देखिए, ये इनपुट और आउटपुट दो सेंसर्स लगे हुए हैं, टिक टिक की ऑन ऑफ के बटन, इन द प्रेशर इस तरीके से लाउड ऑफ एंड अलार्म इसमें, मतलब इस समय बहुत आवाज आती थी। ये देखिए आप, ये बहुत ही, ये वेंटिलेटर बहुत पुराना है और देखने को बहुत कम मिलता है। ये आज की कंडीशन में अगर हम कहें तो पुराने ज़माना, ओल्ड टाइम इज बेटर टाइम, मतलब इंसान का दिमाग उस समय भी बड़ा शार्प था जिसने ये वेंटिलेटर्स बनाया। देखिए, थैंक यू, आपको अगर ये देख के अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है कि पुराने टाइम में भी इतना एक्सपर्ट था इंसान कि वेंटिलेटर्स इतने छोटे डिवाइस के रूप में